अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिंघम 3 का फैंस को काफी लंबे समय से इंतजार है। इस फिल्म को लेकर रोज नए नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं, जो कि फैंस के बीच फिल्म को लेकर और भी ज्यादा क्रेज बढ़ा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है कि अब फिल्म सिंघम 3 में खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक्टर फिल्म की शूटिंग के लिए 8 अक्टूबर को हैदराबाद पहुंच गए हैं और आज यानी कि 9 अक्टूबर से फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। इस फिल्म में अक्षय सूर्यवंशी के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। बता दें कि अजय देवगन, करीना कपूर और रणबीर सिंह पहले से ही हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। पूरी टीम इस पुलिस वर्ल्ड को और भी बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एयरपोर्ट जाते समय की एक सेल्फी साझा करी है, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया है, रामोजी फिल्म सिटी फेस के रास्ते में, ओके ओके अलविदा। अब फिल्म में करीना के अलावा अक्षय कुमार की मौजूदगी देखने के लिए फैंस बेताब होते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अर्जुन कपूर भी फिल्म में शानदार भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन अब तक फिल्म में उनका क्या रोल रहेगा इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि इस फिल्म मेकर्स फिल्म से संबंधित सभी रोल और जानकारियों को बेहद ही गुप्त रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो है कि सिंघम 3 की फिल्म में इस बार दर्शकों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल में अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज़ हुई है, जो कि कमाई तो कोई बेहतर नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ, फिल्म को रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ऐसी ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए आज ही हमारे चैनल JBT Entertainment को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मुझे यानी हिमांशी पांडे को दीजिए इजाज़त।